नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। किशनगंज से दिल को दहला देने वाली एक खबर आ रही है, जहां पर पदस्थापित कानूनगो मुकेश कुमार को खाने में जहर दे करके उनकी हत्या कर दी गई है। मामला किशनगंज के बहादुरगंज का है, जहां पर अरवल के रहने वाले मुकेश कुमार कानूनगो के पद पर पदस्थापित थे और बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार का सुजाता नाम की एक महिला के साथ अवैध संबंध था और सुजाता जो है उनकी व्याहता के रूप में उनके साथ बहादुरगंज में रहती थी। मुकेश की पत्नी और मुकेश के पिता की माने तो सुजाता पहले से शादीशुदा थी, दो बच्चों की मां है। मुकेश भी तीन मासूम बच्चों के पिता हैं, लेकिन सुजाता ने मुकेश के संपत्ति को हड़पने के लिए उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया, लेकिन जब वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई तो फिर उनको जहर दे करके खाने में उनकी हत्या कर दी। अब मुकेश के परिवार के लोग उनकी पत्नी और उनके पिता कानून से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सुजाता को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मतलब ये पत्नी है, वो जो है ऐसे ही रह रही थी ना, लखेड़ी ना लगी उनका, उनको उसको शादी हो ले, एक बेटी है उनका, शादी हो ले उनको रकसिया, पता ना कैसे कैसे उन लोग के कॉन्टेक्ट में आके वो लड़ाई हमेशा करते रहता था कि हम तुम ये हम लोग को बात करने के लिए कि तू सरकार बात करती है, बात करने के लिए खाली जान मार दी, हमेशा झगड़ा कर करके कर करके ऐसे मौत हुई है आपके बेटे की। जहर दे दिया है सर। कौन दे दिया? ब्लैकमेल में जो लड़की थी से सुजाता कुमारी। हाँ, तो वो लड़की फिर कहाँ है? भाग गई थी, पता नहीं, भाग गया है। हाँ, चली थी सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? उस पर एफआईआर चाहते हैं। वो खराब कानून जो कहा है से चाहिए थी हम सरकार। एक लड़की थी सर जो इधर कुछ दिन से इनको ब्लैकमेलिंग लगातार कर रही थी। हाँ, और हम लोग को पता नहीं था कि लड़की साथ में है, तो 10 दिन पहले वो फोन करके अपने मौत की आशंका जताए थे और फिर कल बोले थे कि हमको मिल के मार देगा। और लड़की इनके एक जमीन था, जमीन लिखवाने के लिए बहुत प्रेशर दे रही थी और घर के संपत्ति के लिए भी प्रेशर दे रहे थे कि हमारे पास लाओ, और इनके पिताजी भी काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे टेलीफोनिक, और इनके माता यहाँ पे 4 दिन से मौजूद भी थी इनके माता जी, और मतलब जो लड़की ब्लैकमेलिंग कर रहे थे उनके माता जी। वो लड़की का नाम क्या है जो? सुजाता कुमारी। वो कितने दिन से इसके साथ रह रही थी? लमसम 2-3 महीना जिससे से। और ये यहाँ पर ड्यूटी में कितने दिन से थे? 2 साल से। 2 साल से। किस हम लोग के पता चला सीधे कि वो फोन किए पापा के मोबाइल पे सुबह में और मम्मी से बात किए, बोले कि यहाँ आओ मम्मी ना हमरा सब मिल के जान मार दे, तो वो जो नाम लिखवाई है ना कि हम पत्नी हैं, पत्नी नहीं थी, और वही वो बोल रहे थे कि से जल्दी आओ मम्मी जो हमारा यहाँ मिल के सब मार दे, तो बस। और उसके बाद किसी से नहीं इससे बात किए न किसी से बात किए, और हमने वही जता रहे हैं कि वो यदि नहीं मारती तो आज भागती नहीं, कल दम छोड़ के चली गई है। हम लोग के 3:30 बजे पता चला है, तो हम लोग सब पूरा फैमिली यहाँ आए। कहाँ के रहने वाले थे? अरवल जिला। मुकेश की पत्नी का कहना है कि मुकेश ने पहले फोन करके बताया था कि उनकी जान को खतरा है, पहले भी मुकेश घर में उसके बारे में बात किया करते थे और उसके विषय में जब उनको मना किया जाता था तो झगड़ा करने लगते थे, लेकिन बाद में सुजाता जब अपने षड्यंत्र का खुलासा करने लगी, जब उनके संपत्ति को हड़पने का कोशिश करने लगी और जब उसकी मंशा जो है मुकेश के सामने खुलने लगा, तो मुकेश जो है अपनी पत्नी को फोन करके बताएं कि मेरे जान को खतरा है। और आखिरकार ऐसा समय आ गया जब सुजाता अपने परिवार के साथ मिलकर के मुकेश को खाने में जहर दे दी। उनकी तबीयत गंभीर हुई, उनको स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में मुझे नहीं, मुझे हॉस्पिटल से खबर मिली कि यहाँ पे एक बॉडी है, तो जो हम लोग को हॉस्पिटल से जो आए थे किसी एक कुछ जहरीला पदार्थ खा के मतलब खिलाया गया है, उस संबंध में जो है मतलब खा के जो है भर्ती कराया गया था, जो इलाज के क्रम में जिसकी मौत हो गई है। अच्छा,
और उसके बाद हम तो ये लोग भी कह के फिर मतलब पोस्टमार्टम करवाना है हमको। और मेरा आरोप है कि मैं इसकी जो साथ में पत्नी रह रही थी, सुजाता नाम है उसकी, वही इसको जो है जहर खिला के मार दिया। वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो आवेदन होगी। तो महिला फरार हो गई है? वो महिला का अभी तक पता नहीं चला है मुझे कहाँ पर है, वो अभी तक हम लोग सामने में नहीं आई है। आगे अग्रसर कार्रवाई मतलब ये किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए? पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर संबंधित थाने में जहाँ पे हुई है वहाँ भेज दिया जाएगा, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब उनके पीछे उनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, सरकार से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं न्याय के लिए, सुजाता की गिरफ्तारी के लिए। चूंकि सुजाता अब फरार हो गई है और पत्नी और परिवार के लोग बिलख रहे हैं। ये पूरा मामला किशनगंज का है, मुकेश अरवल के हैं और किशनगंज के बहादुरगंज में वो कानूनगो के पद पर पदस्थापित थे। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।